प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आसमान की ऊंचाइयों में लहराता तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक, हमारे शहीदों की शहादत की अमर निशानी, कश्मीर से कन्याकुमारी को एक साथ जोड़ने वाला तिरंगा, दुश्मनों को याद दिलाने वाला तिरंगा कि अभी हमारे सपूत सीमा पर तैनात है। हम सिर्फ घर की सुरक्षा ही नहीं करते बल्कि घर में घुसकर दुश्मनों का खात्मा भी करते हैं। दरअसल 15 अगस्त भारत की आज़ादी का त्यौहार है, हमारी अखंडता का जीवंत प्रमाण। इस देश को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है भारतीय सेना के तीनों अंगों ने। भारतीय सेना को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। पलक झपकते ही दुश्मनों पर काल बनकर टूटती है हमारी सेना। जिस टारगेट को चुन लिया उसके खात्मे तक चुप नहीं बैठती है हमारी सेना। हमारी तीनों सेनाएं जमीन, आकाश और समुद्र से एक साथ हमला करने में माहिर है। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक भारतीय सेना अपने फर्ज को गौरव के साथ निभा रही है। उनकी बदौलत ही हम तिरंगा को शान से लहराता देखकर कहते हैं वंदे मातरम। भारतीय सेना कर्तव्य पथ पर हमेशा हौसले के साथ आगे बढ़ती रही। 1947 का कश्मीर युद्ध हो या संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में योगदान, 1948 में हैदराबाद का विलय हो या 1961 में गोवा, दमन और दीव का विलय, भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपना शानदार योगदान दिया। 1965 और 1971 में भारतीय सेना ने अपनी जांबाजी का सबूत दुनिया को दिया था। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने देश की सीमा में घुसे दुश्मनों को न केवल मार भगाया बल्कि पाकिस्तान की धोखेबाजी का ऐसा जवाब दिया जिसे दुनिया भर में सैल्यूट किया गया। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की जीवटता और कठिन परिस्थितियों में भी दुश्मन को धूल चटाने की काबिलियत का शानदार नमूना है। 2008 में मुंबई हमला भी देश के दुश्मनों की खौफनाक साजिश का परिणाम था। मुंबई हमले के दौरान भी भारतीय जांबाजों ने न सिर्फ दुश्मनों को मार भगाया बल्कि पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दे डाली। 2016 की सुबह जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया, भारतीय सेना ने हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पठानकोट एयरबेस पर हमला भारतीय सेना के लिए टर्निंग पॉइंट था। भारतीय जांबाज तैयार थे और सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कैंप को ध्वस्त करके सुरक्षित वापस लौट आए। फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का खून खौल उठा और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना आगे आई। फाइटर जेट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के कैंप और लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। इस साल लद्दाख मामले में भी काफी तनाव देखा गया। जून में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ संघर्ष में देश के 20 जवान शहीद हो गए। चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ लेकिन चीन ने दुनिया के सामने नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लद्दाख में भारतीय सेना ने फॉरवर्ड पोजीशन मजबूत की और चीन की आंखों में आंख डालकर पीछे हटने की सख्त हिदायत दे डाली। सेना की जांबाजी का नतीजा पूर्वी लद्दाख में चीन के झुकने के रूप में सामने आया। आज भारतीय सेना सरहदों पर डटी है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना दुश्मन पर नजर रख रही है। वायुसेना में राफेल जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं, समुद्र में भी नौसेना चौकस है। जमीन, आकाश और समुद्र से हमारे जवान न केवल सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि भरोसा भी दे रहे हैं कि हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचाइयों पर शान से लहराता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर हमारी खास पेशकश में इतना ही। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।